जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर की गुर्जर बस्ती का, जहां पर टीन शेड के नीचे वैकल्पिक शिक्षा केंद्र विगत 14 वर्षों से चल रहा था, जिसको विभागीय स्तर से किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। शिक्षा केंद्र में 65 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हालांकि काफी मशक्कतों के बाद बंद हुए केंद्र को चालू तो कर दिया गया है, लेकिन अभिभावकों को डर सता रहा है कि फिर से ये वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बंद न हो जाए। हम तो बढ़िया शिक्षा चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चे बढ़िया कामयाब हो जाए, बढ़िया पढ़ाई यहीं पे हो जाए। वहाँ से हमारे बच्चे जा नहीं पाते हैं, हमारे इसी सुविधा नहीं है कोई, वहाँ जाए पहुँच जाए हमारे बच्चे, यहीं पढ़ सकते हैं हमारे बच्चे। किनारा है, जंगल का रास्ता है, हाथी का भी डर है, शेर का भी डर है, और रास्ता भी नहीं है ठीक जी। ये 9 साल हो, संध्या 9 में चल रहा है, नहीं बीच में बंद भी हो चुका था, ये हो गया 2-3-5 महीने के लिए बंद हुआ जी। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चे, जिस पे स्कूल बाहर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, बाहर तो हमारे बच्चे जा ही नहीं सकते। यही रास्ता भी सही नहीं है, रास्तों में भी खड्डे खड्डे हैं, और जंगल में जानवरों का खतरा है, बाहर नहीं जा सकते बच्चे पढ़ने के लिए। हमारे स्कूल के लिए इसी यहीं सुविधा होनी चाहिए। वैकल्पिक शिक्षा केंद्र के अध्यापक कृपाल सिंह ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह रावत के आदेशानुसार 31 मार्च 2024 को इस केंद्र को बंद कर दिया गया था, और उनके द्वारा बताया गया था कि योजना भारत सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है, लेकिन ये योजना और जगह चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ गुर्जर बस्ती के बच्चे और विद्यालय में जा नहीं सकते, क्योंकि गुर्जर बस्ती से 6-7 किलोमीटर के अंतराल से दुर्गा कॉलोनी है। स्कूल तक पहुँचने के लिए रास्तों में गहरे गड्ढे हैं कि कोई भी वाहन नहीं जा सकता। और मैं सन 2009 से यहाँ पे कार्यरत हूँ, और यहाँ पे केंद्र में लगभग इस समय जो बच्चे हमारे पास 48 बच्चे हैं, जिसमें कि 5 महीने स्कूल को बंद होने की वजह से बाकी करीब लगभग 14-15 बच्चे अन्य मदरसे में चले गए। ये केंद्र लगातार वैसे चल ही रहा था, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी के कहने के अनुसार इसको बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ये योजना केंद्र सरकार से बंद हो गई है, यहाँ पे बच्चे तो जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत घेरे घेरे रास्ते में खड्डे हैं, अगर कोई वाहन जाता भी अगर पलट जाता है तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात, यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत भय बना रहता है, कोई बच्चा बाहर जा नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे एनआरएसटी केंद्र बहुत ज़रूरी है सर चलाने के लिए। देखो, शिक्षा एक ऐसी विधा है कि इसको वैकल्पिक रूप से चलाया नहीं जा सकता है अनंतिम समय तक। तो पहले ये जहाँ पर विद्यालय नहीं थे वहाँ पर हमने वैकल्पिक रूप से कुछ केंद्र बनाए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या हमारी सरकार का ये है कि अस्थाई रूप से विद्यालय हों और बच्चों का पठन पाठन भी अस्थाई विद्यालय में कराया जाए। तो इस हेतु जो जिस बस्ती की बात कर रहे हैं, जसपुर में गुज्जर बस्ती में, वहाँ पर एक केंद्र चलता था, तो हमने उसको जो निकटस्थ हमारे प्राइमरी स्कूल हैं या जूनियर हाई स्कूल हैं, उसमें हमने उनको इनरोल करने का कहा है कि आप फला स्कूल में जो उनके नज़दीकी विद्यालय, वहाँ जा करके उनका आप रजिस्ट्रेशन करा दो और अपना वहीं पढ़ाई लिखाई शुरू कर लीजिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देती है, या ये ट्रांसपोर्ट जहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स को या जो उनके नज़दीकी लोग हैं जो उनकी केयर करते हैं, कि उनको हम अलाउंस देते हैं एस्कॉर्ट, कि उसको एस्कॉर्ट करके ले जाए बच्चों को, 5-4 बच्चे इकट्ठा ले करके वो उस स्कूल में जहाँ उसका दाखिला होना है या इनरोलमेंट होना है वहाँ ले जाए। तो मैंने जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि वो लोग तैयार नहीं इसके लिए, उनका कहना है कि हम वैकल्पिक रूप से ही केंद्र को चलाते रहेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ वैकल्पिक नहीं, जब अस्थाई समाधान किसी चीज़ का हो सकता है तो हम अस्थाई क्यों ना कर दें उसका। तो हमने उनसे बार बार हम यही आग्रह कर रहे हैं, मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भी भेजा था, वहाँ के जो अन्य लोग हैं उनको भी भेजा था कि उनको कन्विंस करें, मोटिवेट करें कि वैकल्पिक न भाई, एक अस्थायी रूप से आपकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि हमारा कंसर्न बच्चा है, तो बच्चे के कंसर्न को देखते हुए हमने गवर्नमेंट से परमिशन के लिए एक प्रस्ताव भेजा है कि कम से कम इस वर्ष वो जो 65 बच्चे हैं उनकी एजुकेशन कंटिन्यू रखने के लिए जो धनराशि हमें प्राप्त हुई है एस्कॉर्ट या ट्रांसपोर्टेशन में, उसी धनराशि के माध्यम से हम वहाँ पर इस कम से कम इस वर्ष एक वैकल्पिक केंद्र चला दें।
जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने बताया कि डैम क्षेत्र के पास वन विभाग की जमीन में गुर्जर बस्ती है। उस बस्ती के लिए जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए 2009 से वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी, जो आज तक वहां केंद्र चल रहा था, लेकिन विगत अप्रैल माह में सरकार ने अधिकारियों के द्वारा बंद करने का फरमान जारी कर दिया था। तब गुर्जर बस्ती के बच्चे और महिलाएं मेरे पास आए तो मैंने शिक्षा मंत्री व निदेशक से बात की, तब जाकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको किसी व्यवस्था के तहत चलाएंगे। देखिए, डाम क्षेत्र के पास हमारा गुर्जर बस्ती है वन विभाग में, तो उसमें 65 बच्ची लड़का लड़की थे। वहाँ से क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था करी गई थी 2009 से, जो आज तक चल रहा था, लेकिन अप्रैल में अचानक सरकार ने बंद करने का फरमान जारी कर दिया अधिकारियों के द्वारा। जब वो गुर्जर बस्ती के बच्चे और उनकी महिलाएँ वो मेरे पास आए, तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की और उनके जो निदेशक थे उनसे बात की, तब जाके उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको किसी व्यवस्था के तहत चलाएंगे। क्योंकि पहले वो चाह रहे थे कि हम उनको वाहन का पैसा देते हैं और वो पड़ोस के स्कूल में जाके पढ़ें, लेकिन वहाँ मैंने जब उनसे कहा कि वाहन तो आप उनको पैसा तो दे देंगे, लेकिन जब वहाँ सड़क या रास्ता ही नहीं है जाने का, तो वो अपनी लड़कियों को पढ़ने से बैठा लेंगे, जंगल के रास्ते से कोई अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहता, वो गरीब लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन उसको शिक्षा मंत्री जी ने, क्योंकि मेरे सामने फ़ोन किया था BSC को, तो उसको अमल में लाया गया, वो प्रारंभ हुआ, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और क्योंकि वो सेंटर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं और 65 बच्चे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।